नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में कि आप नैनीताल 2 नाइट 3 डेज कैसे घूम सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आपको डिटेल बताएंगे कहाँ कहाँ को जाना है, कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आना है नैनीताल के लिए कार गोदाम, आना आपको स्टेशन आना है। वहाँ से आने के बाद आप लोगों को ऑटो या टैक्सी जो कुछ भी हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो अगर आप किराए पर लेंगे तो पर पर्सन आपको पड़ेगा 200 रुपये। अगर आप बुकिंग करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग मतलब 1500 रुपये आपको बुकिंग हो जाएगी, जैसी गाड़ी रहेगी। ठीक है, आपको वहाँ से आना है। अगर आपको आना है नैनीताल या फिर कची धाम, जो आपको सूटेबल लगेगा, जहाँ जाना है आपको। हमारा ओपिनियन नहीं है, सबसे पहले आप क्या करिए, वहाँ से आइए आप पहले नैनीताल। नैनीताल आने के बाद आप वहाँ से स्कूटी रेंट पे लीजिए, स्कूटी रेंट लीजिए, फिर आप वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से निकल जाइए कची धाम के लिए। कची धाम वहाँ पर आप जाइए घूमिए थोड़ा, वहाँ पर जो कची धाम जो मंदिर है, ठीक है, आप उसको मतलब देखिए, और वहाँ पर सब कुछ अच्छा 3-4 घंटे में आप पूरा घूम सकते हैं। फिर वहाँ घूमने के बाद आ जाइए आप यहाँ नैनीताल में, फिर से नैनीताल में आइए, फिर आप यहाँ पे होम या रेस्टोरेंट जो कि आपको सूटेबल लगे उसको लीजिए। अभी आपको हमने दिखाया था वीडियो में कि मतलब कहाँ रूम मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, आप उसको स्टे करिए रूम पर। फिर आपको शाम के टाइम थोड़ा यहाँ पर शाम के टाइम क्या होता है कि मतलब माल रोड मतलब ओपन रहता है, अच्छा खासा व्यू आता है, तो आप शाम के टाइम माल रोड भी कवर कर लीजिए। और बगल में लोकल मार्केट है, उसको कवर कर लीजिए। हमारे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप जहाँ सूटेबल लगेगा जो लोकल मार्केट का, क्योंकि आप थोड़ा चीप है और जो ये जो माल रोड है काफ़ी कास्टली है, तो ये बेटर रहेगा आप लोकल मार्केट घूम लीजिए। फिर आप दूसरे दिन फिर आप नाइट टाइम में रेस्टोरेंट वगैरह चले जाइए, वहाँ से आप थोड़ा जो कुछ खाना पीना होगा, आप कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अपना सामान आप रूम बना सकते हैं, खाना वगैरह जो कुछ भी होगा। फिर वहाँ से आप रेस्ट करिए, फिर सुबह उठिए सुबह, फिर आप निकल जाइए पहाड़ों पे, मतलब कि जहाँ पे व्यू पॉइंट आता है सन का, जहाँ से सनराइज़ होता है अच्छे से क्लियर दिखता है, आप उधर निकल जाइए, वो घूमिए पूरा अच्छे से 2-3 घंटे तक। वहाँ से जो कि भिवानी साइड पड़ता है, ठीक है, लगभग यहाँ से नैनीताल से वो 12 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, तो वहाँ घूमिए। वहाँ से घूमने के बाद आ जाइए आप लेक, नैनीताल लेक जो सबसे फेमस यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप नैनीताल आते हैं, अगर आप यहाँ नहीं घूमते तो ये बेकार है। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे पर पर्सन जो अगर आप फुल लेंगे तो 420 रुपये है, और अगर हाफ लेंगे तो 360 रुपये पर पर्सन पड़ता है। इस पूरा आपको घुमाएगा यहाँ से पूरा, और लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है इसको घूमने में। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है, फोटो वगैरह शूटिंग अच्छी खासी होती है, तो आप इसको गुंजाइश करिए। फिर आप वहाँ से नाश्ता वास्ता कर करके आप निकल जाइए हिमालय पर्वत देखने, जो कि माल रोड से होकर जाता है, लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ेगा, सबसे टॉप पे पड़ता है। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे हिमालय पर्वत के ऊपर मतलब देखने के लिए, आपको मिलेगा कि मतलब अभी जो नैनी लेक है पूरा एकदम क्लियर, आप पूरा व्यू पॉइंट दे सकते हैं, नैनी को पूरा अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ फेमस मतलब टेंपल भी है, जो कि मतलब माना जाता है कि अगर आप अपनी कोई विश अगर मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, मतलब कि ये उसको घंटी वाले गोलू देवी, ठीक है, गोलू देवता मतलब बोला जाता है वहाँ पे, मतलब कि जो भी अपनी विश मांगता है वहाँ अगर पूरी होती है तो वहाँ पर लोग जाके घंटे मतलब कि चढ़ाते हैं वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो लगभग लाखों संख्या में जो घंटे वगैरह होते हैं वहाँ पर टंगे होते हैं, आपको वीडियो में दिखा देंगे क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, अब दूसरा फिर आप आ जाइए हनुमानगढ़ी। ठीक है, हनुमानगढ़ी जो कि बगल लगभग 1.9 किलोमीटर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा, फिर बगल में उसके है एक मतलब पार्क है, अगर वहाँ घूमेंगे उसके ऊपर चढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ से एक पहाड़ दिखता है जैसे वो लगे। और अगर आप और एक मंदिर और है भीम लेक, वहाँ पे भीम लेक है, काफ़ी फेमस है, वो भी अच्छा खासा है। और अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आप भिवानी से जाएंगे वहाँ भीम लेक, बस वहाँ से 5 किलोमीटर दूर आपको पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको वो सब करिए, और अच्छा खासा एडवेंचर है अगर आप वहाँ जाइए। और अगर कैंपिंग करना चाहते हैं आप वहाँ पर मैगी वगैरह बनाइए, अच्छा खासा व्यू आएगा, फोटोग्राफी वगैरह करिए, काफ़ी अच्छा कुछ, आप घूमिए टहलिए 2 दिन में। ठीक है, और बस धन्यवाद।